गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि गौरव कुछ काम कर रहा है और यहाँ पे कल जो स्नोफॉल हुआ था उस स्नोफॉल के बाद आज थोड़ी सी राहत मिली है। कल पूरी रात स्नोफॉल हुआ और बहुत ठंड थी। कल -3 में टेम्परेचर चला गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सीजन। तो बस आज थोड़ी राहत है, हल्की धूप है, ठंड तो है, ऑब्वियसली माइनस में ही टेम्परेचर है। कल गौरव निकला था थोड़ी देर के लिए तो बोलता है मेरे सर में ठंड लग गई है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर था। और भाई साहब बिना कुछ सर में लगाए, बिना टोपी पहने, बिना कुछ किए, बिना जैकेट के भी बाहर निकल गए। और इसलिए आज अंडे खा रहा हूँ इसलिए आज अंडा और एवोकाडो। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट है आज का। हम लोग थोड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट कोशिश कर रहे हैं कि अब स्टार्ट करें। हमेशा हम बोलते हैं बट क्या होता है ना कि टाइम की कमी की वजह से जो अवेलेबल है वो खा लेते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा हेल्दी कर रहे हैं। और सबसे डिफिकल्ट चीज़ क्या हो रही है आजकल, जब आपको चाय पीने की आदत होती है ना और ऐसा लगता है कि आपको सुबह सुबह कोई पर्पस ही नहीं है आपकी लाइफ का सो के उठो तो लगता है क्या करें अब, मतलब अगर जल्दी उठ गए तो क्या करें, बात भी करनी होती है तो चाय पे करनी होती है, तो फिर क्या करें आप जब चाय पीना ही नहीं है तो जीवन में और क्या रखा है। लेकिन हमने चाय छोड़ दिया है बिल्कुल भी, हम नहीं पीते चाय कुछ भी हो जाए। अगर कभी बहुत ज्यादा मन किया तो कॉफी लेकर आए, इंस्टेंट कॉफी, तो वो कॉफी पी लेते हैं। अली 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 बाबा अली बाबा अली बाबा अली बाबा अली बाबा, ये सुबह सुबह की ड्यूटी। हमने प्ले स्कूल भी खोल रखा है, एक बच्ची आती है, एक ही बच्ची आती है और पूरे दिन रहती है, पूरी रात रहती है। क्या हुआ, बेड हमारा ठीक हुआ तो हम फाइनली कितने दिनों के बाद बेड पे सोने गए, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि फाइनली एक अच्छे से, बहुत मेसी मेसी लगता है ना जब आपका बेड भी है और मैट्रेस भी है, तो फाइनली मुझे अच्छा लग रहा था कि हम बेड पे सो रहे हैं। और ये मैडम को इतना ऑकवर्ड लग रहा था, इतना ऑकवर्ड कि ये पूरी रात ठीक से नहीं सोई और जैसे सो के उठी इशारा करने लगी कि अरे वो वहां पे मैट्रेस था, वो कहाँ गया तो आई थिंक उसको मैट्रेस से जैसे फिसल फिसल के निकलती थी, गिरती थी, तो उसको ज्यादा मजा आता था, वही वो उस चीज को मिस कर रही थी। बेड बहुत ऊंचा हो जाता है ना, बट फिर भी डर नहीं लगता है उसको, ये निकलती है उससे, उससे भी नीचे उतरती है, स्लिप होके हम लोग को पकड़ना पड़ता है। ना ही व्लॉग देख रहे हैं, जो रीसेंट व्लॉग हमने अपलोड किया है वही वाला व्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि कोई और तो देखता नहीं है, तो हमने सोचा हम खुद ही देख लेते हैं और व्यूज बढ़ा लेते हैं है ना गौरव? मैं तो ऐसा नहीं सोचता, मैं अपने व्लॉग को बहुत एंजॉय करता हूं। अपना व्लॉग कोई दुनिया बोल ही तो नहीं रही है ना, प्रॉब्लम यही तो है उसको फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत ज्यादा हाई स्टीम वाला बंदा हूँ। स्टीम वाला मतलब कोई कुछ बोलता ही नहीं है, नेगेटिव कमेंट्स भी तो कर दो। एक आया था कुछ दिन पहले लास्ट वीडियो में, एकदम मजा आ गया था, कॉमेंट तो आया नेगेटिव ही सही कॉमेंट था, मतलब कोई तो देख रहा है। गौरव को लगा दिया है काम में, क्योंकि गौरव को ऑप्शन दिया था कि या तो तुम किया को देखो और नहीं तो तुम बर्तन दो, तो इसने बोला मैं बर्तन लगा देता हूँ, वो ज्यादा बेटर है मेरे लिए। अगर वो देखेगी ना तुमको यहाँ पे तो यहीं पे भागते हो आएगी, तो मुझे वही उसको पकड़ना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि मैं कर लूं। नहीं, जैसे मैंने किया हुआ है अभी वैसे तुम कर सकते हो ना, और मैं जल्दी भी कर लेता हूं। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है तुम सबसे ज्यादा लेट लगाते हो, समझे? मुझे लगता है कि तुम जब वहां से यहाँ इसमें डालते हो ना, जितनी देर में तुम डालते हो उतनी देर में मैं हाथ से धो के एकदम क्लीन बर्तन और रख दूं। आई थिंक हमें मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है जो डिसाइड करे कि कौन सा ही बोल रहा है। जैसे तुम्हारी ही बात अगर सुनी जाए तो तुम क्या बोलते हो, तुम्हारा सच तुम्हारा है और मेरा सच मेरा है। कल वाली मूवी का एंड तो पूछो, कल जो अच्छा हाँ, कल कौन सी मूवी देखी थी हमने, मोनिका ओ माई डार्लिंग। ओके, हाँ तो कल हमने एक मूवी देखी मोनिका ओ माई डार्लिंग, जिसमें एंड में क्या होता है कि मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि जिसने नहीं देखा है फिर उसके लिए ये थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। तो जिसने भी देखी है वो मूवी, उसके एंड से आपको क्या समझ में आता है, उसका एंड जो है वो मुझे कुछ और समझ आया और गौरव को कुछ और। तो हम दोनों में कल लड़ाई हो रही थी कि नहीं यही एंड है, इसका मतलब ये है। तो जिसने भी ये मूवी देखी है प्लीज आई रिक्वेस्ट, किसी और वीडियो पे कमेंट करो ना करो, इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताओ कि उसकी जो एंडिंग है उसे आपको क्या समझ में आया, ताकि ये क्लियर हो सके, नहीं तो हमें मैरिज काउंसलर के पास ही जाना पड़ेगा क्लियरिटी लेने के लिए। तो ये लाइव एग्जांपल है मल्टीटास्किंग का, एक उसका ऑफिस का लैपटॉप, एक पर्सनल, और साथ में किया को भी देख रही है और फोन पे बात कर रही है तो पता नहीं कैसे मल्टीटास्क कर लेती है, वैसे तो एक काम भी सही से नहीं होता है, बट अच्छा है, गॉड ब्लेस टू हर, वो काम करते रहे और मैं मेरा काम चलता रहे, तो खाना लगा देता हूँ जल्दी से
तो अब 5 बज गए हैं और काम वाम खत्म करके अब चाय पीने या कॉफी पीने का टाइम आया है। मैं कॉफी बनाता हूँ। मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है, आई थिंक बादल भी बहुत ज्यादा है और विंटर्स की वजह से अब शायद ऐसे ही रहेगा। तो विंटर्स में तो पता ही आप लोगों को कि शाम जल्दी यहाँ पे हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो बस वही 5 बजे ही और एकदम लग रहा है कि अब शाम के 8-9 बज रहे हैं। तो क्या करें, तो अभी चाय बनाते हैं, मतलब फिर से कॉफ़ी बनाते हैं, आदत है इसीलिए। तो कॉफ़ी बनाते हैं जल्दी से और उसको कुक इसके साथ इंजॉय करते हैं। किया एकदम एग्जैक्ट टाइम पे उठी है, जैसे ही हम लोग ने कॉफ़ी बनाई, मतलब मैंने रखा था ही पानी, वैसे ही वो उठ गया। मैं दौड़ के गया उसको लेने के लिए और उसने मेरी शक्ल देखी और रोने लगी। ये मतलब गजब बेइज्जती मेरी होती है बार बार। और डैडी को देख के रोने वाली लड़की कैसे डर के रोई है ना, डर के नहीं, छटपटा गई कि अरे यार फिर से आ गई है, मम्मा तो आती नहीं, बहुत बड़ा टुकड़ा तोड़ा है। आपको कुकीज नहीं खाना होता है, बहुत परेशान लग रही है। मम्मा ने बेवकूफ बनाने के लिए दिया था ना ये। क्या अलग चीज चल रही है तूफानी। हाँ मैडम, क्या चल रहा है? तू अपने खिलौने से नहीं खेलती, इस सब से बहुत खेलती हो तुम। यही होता है, देखो अपना इसने शॉप लगा दिया है। ओ कितने का एक टिश्यू, कितने का एक टिश्यू मिलेगा? ये ऐसा लग रहा है ना जैसे आते हैं वो सुबह सुबह शॉप वाले, तो अपना रेडी पे रखते हैं, जैसे सेट कर रही है। हाँ जी, क्या कर रही हूँ? मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई? हाँ। ये क्या? मैं ड्राइविंग टेस्ट देने का सोच रही हूँ। ओह माय गॉड। हाँ। कितने दिन हो गए? 6 महीने, पिछले 6 महीने जब से मैं ओंटारियो आई हूँ तब से मैं ड्राइविंग टेस्ट दे रही हूँ। तो वही है ना कि सारे सीजन निकल गए, सब निकल गए, अब तुम्हें विंटर जब आ गए हैं, स्नोफॉल हो गया है, तो अभी यही होता है ना एग्जाम में। तुमको कितने दिन मिलते हैं? बहुत दिन मिलते हैं ना, प्रिपेयर करो और करो। पढ़ते कब है? एक दिन पहले। तुम भी है, तुम मुझे तो लड़कियां पूरे साल पढ़ती हैं। पूरे साल पढ़ती हैं, मेरी मेन पढ़ाई तो। अच्छा, वो तुम वो गुंडा टाइप लड़की थी? हाँ, बंक करने वाली? नहीं नहीं, मैं वैसी नहीं थी, मैं तो पूरा कॉलेज ही बंक कर देती थी। लोग क्लासेस बंक करते, मैं पूरा कॉलेज बंक कर देती थी। मतलब मेरे टीचर्स ऐसे बोलते थे, श्वेता तिवारी आज भी नहीं आई। नहीं आए तो वही मैंने ये हैंडबुक डाउनलोड किया है। ठीक है, मतलब जीवन दोगी ना? जीवन दूंगी। तो ये हैंडबुक डाउनलोड किया है, कहते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर ये सब पढ़ लो ना अच्छे से, तो इसमें से डिटो आते हैं सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं बता दूं कि 3 लेवल होते हैं, जी1 और G2। तो मेरा जो है वो G1 है, नहीं मेरा G2 है, मैं खुद भी कंफ्यूज जाता हूँ, बट मेरा G2 है। श्वेता G1 देने वाली है जो कि लर्नर्स है, और जी जो है वो फाइनल होता है। तो मेरा जो अब BC में था, मतलब मेरा वैंकूवर में जो था, वो वहाँ पे अलग सिस्टम होता है। तो वहाँ पे मेरा क्लास 5 था जो कि हाईएस्ट लेवल है, बट यहाँ पे जब मैं आया तो उन्होंने बोला कि आप डायरेक्ट कन्वर्ट वो करा रहे हो तो उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। 2 साल अगर आप बीसी में रह रहे हो तो हम आपको फाइनल वाला जो यहाँ पे वो है जी लेवल दे देंगे, बट अगर उससे कम है तो 2 साल मेरे को नहीं हुए थे वो लाइसेंस को लिए हुए, तो मेरे को उन्होंने G2 दे दिया। तो अब मेरे को टेस्ट देना है, मेरे को भी देना है एक्चुअली अपना फाइनल उसको कन्वर्ट करने के लिए, और शायद अगर तो लर्नर्स चाहिए तो वो अपना पहले G1 जाएगी, फिर G2 एंड देन G3, सॉरी G। ये बंदी पूरे सीजन सोई है, ठीक है, जब गर्मी थी, जब बरसात आई, जब आपका ऑटम आया, स्प्रिंग आया, सब में सोई, बट अब जो विंटर आने वाले हैं, और विंटर अब कभी भी स्नोफॉल हो सकती है, एक बार हो चुकी है, अभी शायद फिर से होगा, तो अब इनको इनकी जागृत हुई आत्मा की तो मैं टेस्ट दूंगी। ये अलग खुश है। ओह 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 नो। तो ये आज सूप बनाया है, मैं बहुत सारी सब्जियां डाली हैं, श्वेता ने बनाया है बेसिकली, मैं क्रेडिट लेने आया हूँ, मैं इसको बस दूंगा। और ये हम लोग एक पॉडकास्ट भी देख रहे थे, तो ये बना है सूप जो मुझे तो अच्छा लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बस उसमें अभी मैं वो डालूंगा जो हम लोग नूडल्स लेके आए थे, उडॉन था ना। हाँ, उडॉन नूडल्स। इस पॉडकास्ट के बारे में बता रहा है जिसमें
जो रोगन और नवल रविकांत का जो इंटरव्यू था, तो उन्होंने मतलब यही बहुत अच्छी बात बताई कि आप जैसे कुछ अचीव कर लेते हो ना लाइफ में, तो उसके बाद आप रुक जाते हो, मतलब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप कुछ और ट्राई नहीं करना चाहते। तो उन्होंने यही बताया कि अगर आप जो ये लाइफ है, मतलब एक ही लाइफ है ना, तो इसमें आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, और चीज़ें आपको कैसे पता कि यही बेस्ट है, हो सकता है कुछ और भी बेस्ट हो। तो हम लोग जैसे, हमारे लिए भी एग्जांपल है ना, हम लोग ने कुछ अभी अचीव किया, हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, हम खुश हैं, लेकिन अगर कुछ और हमें करना हो तो हमें फिर से स्टार्ट करना है, तो हमें उसके लिए बहुत हेजिटेट नहीं करना चाहिए। मतलब ट्राई करोगे तभी पता चलेगा ना कि शायद वो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो बस बाबा जी के आज के इतने ज्ञान के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप शायद कोई तो इससे इंस्पिरेशन ले, हम तो पता नहीं लेंगे या नहीं, हम कोशिश जरूर करते हैं हर चीज़ मोटिवेशनल चीज़ें देखकर अपने आप को मोटिवेट करने की, बट हो सकता है कोई हमसे पहले ज़्यादा मोटिवेट होके इम्प्लीमेंट करे, वो तो बहुत बढ़िया होगा। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।